जळगाव जिल्ह्यातील जे काही सगळे आमदार आहेत सर्व पक्षांचे हे सगळे संगनमताने चोरी करत आहे. ज्या कोणाला आमदाराला म्हटलं माझ्या बोलण्याबाबत आक्षेप असेल हरकत असेल त्याने केव्हाही पत्रकार परिषद घ्यावी आपण आमने सामने बोलू. जळगाव जिल्ह्यातील आमदार संगनमताने चोरी करत असल्याचा खळबळजनक आरोप जागृत मंचचे अध्यक्ष शिवराम पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांच्यासह विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवराम पाटील बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला अनिल नाटेकर, ईश्वर मोरे, दीपक कुमार गुप्ता, शिवराम पाटील, सुरेश पांडे, ए एस जाधव, अमोल कोल्हे आदी समाजसेवक उपस्थित होते. जळगाव महानगरपालिकेतील विविध विकास कामांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत यावेळी आवाज उठवण्यात आला. नियमबाह्य एअर कंडिशनर, रस्त्याचे डांबरीकरण, व्यापारी संकुल, घरकुल घोटाळा यासह नगरसेवक अपात्रता प्रकरणाचे मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले. पत्र दिलेला आहे गुलाबराव पाटील यांच्याच सांगण्यानुसार खर्च न करता खर्च दाखवला गेला हे सर्व चुकीचं आहे. आणि यावेळेला सुरेश बोरे, यावेळेला शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, गिरीश महाजन, अनिल पाटील, तो उमेद आपला चव्हाण अशा लोकांनी आक्षेप घेतणं गरजेचं होतं. म्हणून मला असं वाटतं जळगाव जिल्ह्यातील जे काही सगळे आमदार आहेत सर्व पक्षांचे हे सगळे संगनमताने चोरी करत आहे. ज्या कोणाला आमदाराला म्हटलं माझ्या बोलण्याबाबत आक्षेप असेल हरकत असेल त्याने केव्हाही पत्रकार परिषद घ्यावी आपण आमने सामने बोलू. आणि सुरेश दामोदर गोळे यांना मी आताच 36 प्रश्नावली दिली आहे. मामा तुम्ही आमदार आहात, आमदार जर विधानसभेमध्ये विधान परिषदेमध्ये मंत्र्यांना प्रश्न करतो आणि मंत्र्यांनी उत्तर देण्याची जबाबदारी आहे ही वैधानिक पद्धत असेल. मी मतदार म्हणून आमदाराला सुद्धा प्रश्न करणार आणि उत्तर देण्याची तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही जर देत नसाल राजमामा फक्त 5 नगरसेवक अपात्र नव्हे तुम्ही आमदार म्हणून सुद्धा अपात्र आहेत असं मी जाहीर करतो. निर्णय महापालिका घेत नाही आणि त्यांचा जो निधी महापालिकेला यायला पाहिजे तो घेत नाही. कदाचित आमच्या शिवराम काकाच्या भाषेत जर म्हटलं की त्यांना बाहेरून सेटिंग करायचं असतं म्हणून ते शासकीय निधीमध्ये त्याला वर्ग करून देत नाही. मुद्दा क्रमांक 4 आमचा आहे, प्रशासन मनपा प्रशासनाने 58 नगरसेवकांचे 60,32,00,000 रुपये घरकुल घोटाळ्यामध्ये वसूल करण्याचे लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप आणि टिप्पणी ठेवलेली आहे आणि त्याच्या विरुद्ध हे नगरसेवक हायकोर्टामध्ये स्टे घ्यायला गेले होते. परंतु आम्हाला जी आता सद्य माहिती मिळाली आहे की त्याचा स्टे हा हायकोर्टाने आता रॅकेट केलेला आहे म्हणजे नाकारलेला आहे. म्हणजे आजच 58 नगरसेवकांकडनं 60,32,00,000 रुपये जर मनपा प्रशासनाकडे आले तर मला असं वाटतं नागरिकांच्या बऱ्याच सोयी सुविधा ज्या अडचणीत आलेल्या आहेत त्या आपण लवकर निकाली काढू शकतो. आपलं काही आजकाल महानगरपालिका याच्या विशेषता ए सी का की महानगरपालिका के जो नसिबेला जो इमारत आहे जो 17 मजली इमारत आहे या जो ना ऑफिशियल आहे उनके उसमें ना 12 AC लगे गए जो कि ना नियम बाहे. इस बारे में ना मैंने ना जो विद्या गायकवाड मैडम है आयुक्त है उनके भी उनके भी जो तादाद में लगे हुए ए सी के कई विषय है इसके विषय में उनको पत्र भी दिया है निकालो उनसे चर्चा भी की हुई है. उन्होंने मुझे जवाब दिया हुआ है कि हम मेरा नगर विकास का आवाज़ मंगाएंगे अभिप्राय मंगाएंगे उसके बाद निकाले. मतलब सरल एक प्रकार की बेशर्मी है कि हम मेरा शासन अगर उनके निर्देशन में ला के देने के बाद में भी अगर वो कर एक प्रकार की बेशर्मी करके गए कि अगर जनता का पैसा है ना हम ना ऐसे ही उड़ाएंगे तुम क्या कर सकते हो कर लो हम ऐसे ही चलते रहेंगे. उसके बाद में ना इसी प्रकार से ना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण रमेशा भी उनके कार्यालय में उनको भी मैंने पत्र दिया था. 5 जिले के जो है जलगांव, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर, नासिक ये सब मिला के जो 5 जिले हैं उनके लिए भी पत्र दिया था. उन्होंने भी यही काम किया था कि ना उन्होंने बोला था कि हम शासन का अभिप्राय मंगाएंगे इसके ऊपर और उन्होंने शासन को ऐसा पत्र भी दिया था. लेकिन शासन ने जो नगर अपने सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने उल्टा उनको जवाब दिया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का काम है आपने ना कार्रवाई करना चाहिए थी लेकिन आपने कार्रवाई न करते हुए जो बेकायदेसी अनावश्यक रूप से जो हमारे पास में ना आपके ना
अनावश्यक रूप से आपने ना मेरे पास में पत्र भेजा हुआ है, इनसे आपने ही कार्रवाई करना चाहिए, तो आपने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इसके बाद में ना 12 तारीख के दिन विभागीय आयुक्त ने पत्र निकाला हुआ है पांचों जिले के जिलाधिकारियों को क्या एसी के विषय में कार्रवाई करके अहवाल हमारे पास में अहवाल सदन पर उसके विषय में। तो सेम है ना कंडीशन है ना महानगर पालिका में भी है कि ना जो महानगर पालिका आयुक्त को अधिकार नहीं है, तो भी अधिकार नहीं है तो ना सिर्फ शासन के ऊपर डकल के वेट का उपना करना और शासकीय पैसे का उधर पट्टी करना ये गलत है। और इसके लिए ना मैं ना अभी है ना याचिका दाखिल कर रहा हूँ हाईकोर्ट में। मैंने है ना इसके बाद में ना जलगांव पुलिस अधीक्षक को भी है ना पत्र दिया हुआ है कि इनके ऊपर जो है जो है ना शासकीय पैसे का अपव्यय किया हुआ है और आपसी संगमत करके जो है ना लोगों को ना अधिकार नस्ताना है ना अधिकार भक्तों में ना जो शासकीय पैसे का करा हुआ है इनके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन पुलिस अधीक्षक और उनका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी है ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की हुई है, क्योंकि है ना उनका कहना है कि हम ये जो पुलिस अधीक्षक है और उनके पास PI वगैरह तक भी है ना उन्होंने AC लगा के रखे हुए कोई, तो उन्होंने बुलाया कि उनके खुद को अधिकार नहीं है, उन्होंने लगा के रखा था लेकिन नैतिक अधिकारी नहीं है कि हमको हम कार्रवाई कर पाए। लेकिन ना उनके संदर्भ में मैंने IG साहब को भी कंप्लेंट करी थी, तो IG साहब ने भी लेटर निकाला हुआ है पांचों जिले के जिलाधिकारियों को कि आप निकालो। और ऐसे ही संदर्भ लेके पूरा संदर्भ देखे मैंने ना सभी पुलिस आयुक्त जितने महाराष्ट्र के पुलिस आयुक्त हैं, DGP महाराष्ट्र हैं, फिर ना मुख्य सचिव है, इन सभी को मैंने ना पत्र लिखा हुआ है कि आप ना AC निकालिए, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे उनका कोई जवाब नहीं आया हुआ है। बाकी विभागीय आयुक्त का जवाब आया हुआ है, डिविजनल कमिश्नर का आया हुआ है जवाब, उन्होंने ना इन्होंने अपने जवाब में बोला हुआ है कि अपने नीचे के इनको AC निकालने का ऑर्डर दिया है, उन्होंने लिखा पत्र दिया हुआ है, लेकिन बाकी के लोग यहाँ निकालने को नहीं है। हाँ मैंने ना जो ऐसे मुझे पत्र का जवाब तो नहीं दिया, कलेक्टर ऑफिस से जो है अपर जिलाधिकारी उन्होंने अपना AC निकाला हुआ है, RDC है जो उन्होंने AC निकाला हुआ है, जिलाधिकारी दो तीन जो उप जिलाधिकारी है उन्होंने अपना AC निकाला हुआ है, इसके बाद में सिविल हॉस्पिटल भी उन्होंने निकाला हुआ है, और ना महानगर पालिका के लिपिक उन्होंने ना उन्होंने भी अपना अनधिकृत रूप से निकाला हुआ है, मतलब मैंने लगाते समय जो है महानगर पालिका के लाइट विभाग ने उनको लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरा पत्र गया उनका तो उन्होंने निकाल के रख दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को लाइट विभाग ने दिया हुआ है कि उनका AC लगा हुआ है, क्योंकि अधिकृत रूप से वो निकाला हुआ नहीं है। तो ऐसे ही पैसे की उधर पट्टी हो रही है, इसके लिए मैं याचिका ना हाईकोर्ट में औरंगाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा हूँ।